कानपुर का पोटैटो चिप्स चाट लेस वाला। कानपुर में विराज नाम का एक युवक हुआ करता था। अपना गांव छोड़कर पैसे कमाने के लिए कानपुर को आया। ज्यादा पढ़ाई नहीं करने के कारण वो एक चिप्स और चाट बनाने वाली रेढ़ी शुरू किया। विराज सबसे हटके थोड़ा अलग तरीके से चिप्स से चाट बनाता था। वो सबको नया और अलग लगने लगा। वो अपने ब्रांड के नाम पे पेपर छपवाकर उनसे पोटली बनाकर उनमें चिप्स और चाट बेचता था। ये देखकर सब विराज की तारीफ करते थे। एक बार एक कस्टमर विराज से, भाई विराज, चिप्स तो सब बेचते हैं, मगर तुम्हारे जैसे नए नए फ्लेवर्स में चिप्स से चाट बनाना सबकी बस की बात नहीं है, और ऊपर से तुम्हारा ब्रांडिंग भी अलग लेवल का होता है। वैसे तुम्हारे नाम पे पेपर छपा कर उनके पोटली बांधकर ग्राहकों को दे रहे हो ना, ये बहुत अच्छा आइडिया है, कहा विराज तब। हाँ राव जी, मैं पहले सबके जैसे ही न्यूज़पेपर में चिप्स और चाट बांधकर देता था, मगर बाद में मुझे मेरे पिताजी की बातें याद आई। वो मेरा खुद का एक ब्रांड बनाने के लिए बोलते थे, तब से मुझे ये आइडिया आया। अब मेरे चिप्स चाट खरीदने वाले हर एक को मेरा नाम याद रहेगा, और वो कहीं गए तो भी दूसरे लोग मेरे ब्रांड के पोटली को देखेंगे, मेरा नाम और मशहूर होगा। उसी गांव में लगातार कत्ल होने लगे। एक बार एक कत्ल हुआ। मर्डर स्पॉट पर ऐसा ही याद ही आया। उसने उस लाश को देखकर कांस्टेबल से, सूरज, इस गांव में ये इस महीने का चौथा मर्डर है ना, कहा कांस्टेबल सूरज तब। हाँ सर, ये चौथा मर्डर है। पता नहीं ये हत्यारा कौन है, एक भी सुराग नहीं छोड़ रहा है, अच्छे से प्लान करके मर्डर कर रहा है, कहा। तब ऐसा ही याद ही, मर्डर प्लान से कर रहा है कहकर देखे तो पता चल रहा है, मगर कोई भी बिना कोई गलती किए नहीं रहेगा, सुराग छोड़े बिना नहीं रहेगा। जरूर ये हत्यारा भी कोई ना कोई गलती किया होगा, हमें और जांच करना है, कहकर यहाँ वहाँ देखने लगा। एक बार विराज के पास एक शराबी आया। वो विराज से, भाई तुम्हारा चिप्स चाट दारू में मंचिंग के लिए मस्त रहता है, कहा विराज तब। ओह ऐसा क्या सर, धन्यवाद, मैंने नया मिर्ची फ्लेवर चाट बनाया है, वो भी ट्राई कीजिए, कहा तब वो। तुमने बनाया तो वो जरूर बढ़िया ही होगा, कहकर फोन करके उसके दोस्त को कहाँ आना है कहकर बोला। फोन रखने के बाद वो विराज से, भाई तुम्हारे चिप्स चाट खाने का मजा ही कुछ और है, अगर तुम कोई शराब की दुकान के पास अपनी रेढ़ी लगाए तो खरीदारी बहुत होगी, कहा विराज तब। सच है सर, मगर वहाँ पहले से ही एक आदमी की रेढ़ी है, एक बार उस व्यापारी ने उसके आसपास भी नहीं दिखना है कहकर मुझे वार्निंग दिया था, कहा तब वो शराबी। कौन था वो? वो जरूर हॉट चिप्स नारंगी होगा, तुम एक बार हाँ बोलो बस उसे तपका दूंगा, कहा विराज तब। अरे भाई ऐसे मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ, मगर पहले चाट के पैसे देकर चलो, कहा तो वो शराबी। क्या पैसे? एक बार मेरे हाथ में चाकू देखकर बोलो, अब भी तुम्हें पैसे चाहिए क्या, कहा तब विराज उससे डरकर, नहीं चाहिए भाई आप जाइए, कहा। अगले दिन ऐसा यादी विराज के पास आकर विराज को उसका चिप्स चाट का पेपर दिखाते हुए, एक मर्डर स्पॉट में हमें ये पेपर मिला है, कहकर, तुम्हें किसी पे शक है क्या, कहकर पूछा। तब विराज उसे एक आदमी पे शक है कहकर वो आए दिन शाम के 7 बजे उसके चिप्स खरीदने आएगा कहकर बताया। ऐसे यादी उस शाम उस हत्यारे के लिए इंतजार करने लगा। उसके आते ही विराज ने उनकी ओर इशारा किया। यादी और बाकी के कांस्टेबल्स उसे पकड़ लिए, उसे लॉकअप में डालकर बहुत मारे तो उसी ने सारे मर्डर्स किए हैं कहकर वो मान गया। एक बड़े किलर को पकड़ने में मदद करने के लिए पुलिस वाले विराज को पैसे इनाम में दिए। उनसे विराज अपने गांव को जाकर दूसरा व्यापार करते हुए खुशी से जीने लगा।